हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डोंट से यू लव मी मैंगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 5 है। नेक्स्ट डे से यू जब भी वी का क्लोज आता है उसे हमेशा एम्बेरस फील होता है। वांग पूछता है, तुम दोनों के साथ कुछ हुआ है क्या जो तुम इतने एम्बेरस फील कर रहे हो? यू बोलता है, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। यू मन में सोचता है, पास्ट में उसे ऐसे कभी फील नहीं हुआ था, पर प्रेजेंट में वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया है। वो जब भी वी को देखता है उसे कुछ वियर्ड फील होता है। वांग उसे पूछता है, क्या तुमने वी के साथ डेटिंग करने का सोचा है? ये सुन के यू सोचता है, शायद मैं वियर्ड इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में वी उसे लाइक करेगा। गेम पीरियड पे यू क्लासमेट के साथ हाइड एंड सीक खेलता है। यू छुपने टाइम वी को देखता है। वो वी को भी साथ में छुपने के लिए बोलता है। यू का सर पे एक पत्ता गिर जाता है। वी उसे हाथ से हटा देता है। वी नोटिस करता है कि उसका फेस फिर से रेड हो गया है। उसका फेस को देख के उसे कुछ लड़कियों का याद आता है जिन लोगों ने वी को प्रपोज किया था। उन लड़कियों का रिएक्शन भी यू का जैसे है। वी सोचता है, क्या यू उसे पसंद करने लग गया है? स्कूल छुट्टी होने के बाद दोनों साथ में घर जाते हैं। यू को कन्वीनियंट स्टोर से कुछ लेना था, इसीलिए वो वी को अकेले घर जाने के लिए बोलता है। तभी वी को मैसेज आता है मोम का। मोम उसे कन्वीनियंट स्टोर से प्लास्टिक रैप खरीदने के लिए बोलती है। स्टोर से सामान लेके यू निकल रहा था, तभी उसका टक्कर एक ब्लैक सूट पहने हुए आदमी से हो जाता है। वो आदमी उसे सॉरी बोलता है। तभी वी वो दोनों को साथ में देख लेता है और सोचता है यू उसके साथ क्या कर रहा है। बचपन में वी और मोम न्यू प्लेस में शिफ्ट होते हैं। न्यू प्लेस पे उनके नेबर्स उन पे कुछ ज्यादा ही काइंड बिहेव कर रहे थे। एक दिन वी जब स्कूल से वापस आता है वो नेबर्स को ब्लैक सूट पहने हुए आदमी से कुछ डील करते हुए देखता है। वो ब्लैक सूट पहना हुआ आदमी उसके डैड ने भेजा था। वो नेबर्स को पैसा दे रहा था ताकि नेबर्स वी और वी का मोम का टेक केयर कर सके। नेबर्स का गुड इंटेंशन बस नाटक था। वी ने अपने डैड को वार्न भी किया था इसके लिए। जब वी यू को ब्लैक सूट पहने हुए आदमी के साथ देखता है, वी को लगता है यू भी उन लोगों में से है। वी को लगता है यू का उस दिन गुस्सा होना और उसका डेट ऑफ बर्थ पता होना और उस पे हमेशा अटेंशन देना, ये सब बस नाटक है। ये सब सोच के वी थोड़ा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल जाने टाइम यू एक सोय मिल्क खरीदता है जो कि वी का फेवरेट था। जब वो वी को पुकारता है वी उसे इग्नोर करके चला जाता है। लंच टाइम में यू उसे सोय मिल्क पैकेट देता है पर वी पीने से मना कर देता है। वी ने कभी भी स्कूल में सोय मिल्क नहीं पिया था। किसी को पता भी नहीं कि उसे वो मिल्क पसंद है। वी अब कंफर्म हो जाता है कि यू ने उस आदमी से कांटेक्ट करके मेरे सारे इंफॉर्मेशन पता कर लिए हैं। वी डिसाइड करता है कि अब से वो यू से दूर रहेगा। उस दिन से वी उसे इग्नोर करने लगता है। वो साथ में लंच नहीं करता है और स्कूल छुट्टी होने के बाद अकेले ही घर चला जाता है। यू भी परेशान हो गया था ये सोच के कि आखिर वी उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। नेक्स्ट डे यू उसे एंट्रेंस पे जोर से बुलाता है पर हमेशा की तरह वी उसे इग्नोर करके जाने लगता है। यू उसके पास जाके बोलता है,
मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वही बोलता है मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा, इसीलिए तुम मुझसे क्लास में बात कर लेना, और वहां से चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद यू उसे पूछता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? उई थोड़ा चिढ़के बोलता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, ये मेरी गलती है, और वहां से चला जाता है। स्कूल छुट्टी होने के बाद यू चलते चलते मन में सोचता है, अगर तुम्हें किसी चीज से प्रॉब्लम है तो मुझे डायरेक्टली बोल दो, मुझे कैसे पता चलेगा मैंने क्या गलत किया है अगर तुम नहीं बोलोगे तो। चलते चलते उसे वी मिल जाता है, पर यू अपना मुंह मोड़ देता है और मन में सोचता है, अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं भी तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ। यू वी का पीछे पीछे ही घर जाता है। रोड पे एक लड़की का बैलून हाथ से छूट जाता है। वी तुरंत उस बैलून को पकड़ने के लिए रोड पे चलने लगता है। दूसरी तरफ से कार को आते हुए देख यू तुरंत उसे पीछे खींच लेता है और गुस्से से बोलता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया वो कार तुम्हारी तरफ भी आ रहा था? यू को फ्यूचर में हुए एक्सीडेंट के बारे में याद आता है और वो रोने लगता है। अगर आज वी कार एक्सीडेंट में मर जाता तो यू का फ्यूचर से पास्ट में आने का कोई फायदा नहीं रहता। यू का गुस्सा, वरी और हेल्पलेसनेस देख के वी को अपनी मोम का याद आता है। बचपन में वी ने अपनी मोम का चेहरे पे ये सब एक्सप्रेशन देखे थे, जैसे वो आज यू का चेहरे पे देख रहा है। वी उसे हग करके बोलता है, मैं पूरा ठीक हूँ, तुम अब रोना बंद कर दो और मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू उसे हग करके बोलता है, फिर से कभी ऐसे एक्सीडेंट में कभी मत पड़ना। वी यू को एक पार्क में लेके आता है। बेंच पे बैठकर यू मन में सोचता है, क्या मैं इडियट हूँ? मुझे उसके बाहों पे ऐसे रोना नहीं चाहिए था, अब वो मुझे वियर सोचता होगा। वी यू को सोए मिल्क देता है पीने के लिए। यू उसे पूछता है, तुम मुझे कुछ दिनों से इग्नोर क्यों कर रहे हो? और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।